नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? ये मेरा कल कंक्लूडिंग पार्ट है। पार्ट वन आपने जो कल देखा वो एक स्ट्रगलर की कहानी थी। वो एक कहानी हम आदमी की है, आम आदमी की कहानी है और वो एक सच्ची कहानी है। वो मैं चाहता हूँ कि आप सभी को बताऊँ। वो कहानी सुन के आपको भी लगेगा कि यही सच्चाई है, यही बॉलीवुड की सच्चाई है और यही सब कुछ है। हर साल हर वक्त कहीं ना कहीं से ऐसा है कि इंसान, किसान का लड़का, गरीब का लड़का कुछ भी बनने चला आता है, मुंबई में चला आता है, हीरो बनने चला आता है। लेकिन एक बात है, उसमें हिम्मत है, जज्बा है, ताकत है, कुछ भी कर गुजरने की ताकत है। वही जज्बा देखो उसे कहाँ तक लेके जाता है। दोस्तों, आज का कंक्लूडिंग पार्ट शुरू करते हैं। पार्ट नंबर दो, स्ट्रगलर्स लाइफ। दोस्तों, उससे पहले मैं कहूंगा मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में जो लाल बटन है वो दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि आपको मेरे जो भी नए नए वीडियोस आएंगे उसकी इंटीमेशन आपको पहले ही मिलती जाएगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों को भी दीजिए। यानी उससे क्या होगा, दोस्तों को जब आप भेजोगे तो बहुत से लोगों को इसका फायदा होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि हर आने वाले स्ट्रगलर, हर आने वाले नए एस्पिरेंट आर्टिस्ट, एस्पिरेंट एक्टर्स को कुछ रास्ता मिले। मैं चाहूंगा कि वो आगे बढ़े। देश का हर बच्चा जो एक सीने में आशा लेके आता है कि मुझे भी कुछ बनना है, एक बात है, किसी के लिखा नहीं है कि हीरो का लड़का ही हीरो बने, प्रोड्यूसर का लड़का ही हीरो बने, डायरेक्टर का लड़का ही हीरो बने। किसने कहा? नेपोटिज्म नहीं। यहाँ पे हर पूरे देश का बच्चा, कोई भी बच्चा हो, वो उसका हक है, वो उसके लिए कुछ भी कुछ है। तो दोस्तों, पहले पार्ट में हमने देखा कि हमारा जो हीरो है वो गांव से चला आया है, बाप दादा माँ सबका आशीर्वाद लेके। लेकिन एक है, उसमें हिम्मत है, जज्बा है। ये हिम्मत है कि मुझ पर मेरे पिताजी ने जो विश्वास किया है उस पर मुझे खरा उतरना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। वो रोज से, वो कल से शुरू हो गया है ऑडिशंस देने के लिए। ऑडिशंस देने के बाद क्या होता है, हर बाजू से उसे नकारा जाता है कि बाबा तुम इसके लायक नहीं हो, ये नहीं हो, वो नहीं हो। तो वो जानता है, दूसरों को देखता है, उसी में उसी के 4-5 महीने चले जाते हैं। वो सोचता है कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे रहूंगा, तो भी कैसे निकल के वो मीरा रोड में रह रहा है। मीरा रोड में भी 5,000 रुपया भाड़ा है, खाना वाना करके उसको 10,000 रुपया हर महीने हो जाता है, तो कैसे भी करके निकल रहा है। लेकिन उसने जिद नहीं छोड़ी। देखिए साहब, जज्बा है, हिम्मत है, क्योंकि किसान का बेटा है, मेहनत करने से चुकेगा नहीं। वो ये एक सच्ची कहानी है, बाद में मैं नाम बताऊंगा। लेकिन एक बात है, किसान का बच्चा है, मेहनत करने से चुकेगा नहीं, और ऐसे लोगों को ही आगे रास्ता मिलता है। आज नहीं तो कल, 1 दिन 20 दिन 15 दिन, 1 महीना 2 महीना, 1 साल 2 साल, लेकिन यही लोग कुछ न कुछ बनते। तो ये किसान का बच्चा जो आया था, बेचारा मेहनत करता है, ये करता है, रोज मीरा रोड से अंधेरी तक आता है, देरी से फिर आरामनगर चल के आता है। बहुत दूरी है आधे घंटे की, लेकिन वो चल के आता है। क्यों? जो कुछ पैसा बच जाएगा तो उससे शाम को खाना मिल जाएगा। ये एक मजबूरी है, हम लोगों की मजबूरी है, क्या कर, भूखे पेट भी दोस्तों के साथ भी जाता है तो नहीं नहीं मैंने तो खा लिया है, मैंने तो आज बहुत नाश्ता किया है तो मुझे भूख नहीं। भूखे पेट लेके उसने ऑडिशन किए। दोस्तों, सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है, मेहनत करो, जी जान से मेहनत करो, ठीक है, शरीर तो अपना है, ताकत तो अपनी है, मेहनत करेंगे। वो ऑडिशन देते गया, देते गया, देते गया, देते गया। एक दिन उसे सिर्फ एक शॉट के लिए काम मिला। वो उस दिन का, उसका बहुत ही खूबसूरत दिन था। उस दिन से सुबह 8 बजे जब शॉट पे बुलाया था, 7 ही बजे पहुंच गया, वो तैयार हो गया, गया कपड़े वपड़े इस्त्री कराए, जो कुछ नहीं था बाजू वाले से पैसे लेके बस में बैठ के 7 बजे वो पहुंच गया शूट पे। उसका शॉट था, क्या शॉट था, साहब जो भी हीरो है उसके लिए शॉट अपना
किसान का लड़का, ये शॉर्ट था कि साहब आपके लिए चाय लाऊं, और चाय रखता है और निकलता है, ये शॉर्ट था। इसे तो हीरो बनना था, लेकिन क्या करें, ये शॉर्ट तो देना ही था, क्योंकि उसे अपने आप को प्रूव करना था। हीरो के सब कुछ तंत्रम मंत्रम चल रहे थे, जो हीरो था वो, अरे ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया। प्रोड्यूसर्स भी सुन रहा था, डायरेक्टर भी सुन रहा था, ये भी देख रहा था अपना बच्चा। तो बच्चे ने भी देखा कि ठीक है, आज आपको, कल शायद मैं भी रहूंगा, लेकिन ऐसा बोलूंगा नहीं। एक शॉट हुआ, पहला शॉट, लड़के को चाय लेके जाना था, उसके पास जाना था और कहना था साहब आपके लिए चाय। पहली बार गए तो हीरो खड़ा है, रुको रुको रुको, हीरो है भाई, वो हीरो तो अपनी हीरोगिरी दिखाएगा, रुको, अपने बाल बाल बनाए, ये किया, अरे यार इधर आओ, थोड़ी देर के लिए पंखा चालू करा, बहुत गर्म हो रहा है, क्या यार थोड़ी से सब, आप भी कहाँ शूट रख देते हो, न पंखा है, ना एसी है, ना कुछ है, क्या बात। प्रोड्यूसर झेल रहा है बेचारे को, चलो कोई बात। पहला शॉट, लड़का आता है, चाय देता है, साहब आपके लिए चाय, रखो यहाँ पे, दे के चला गया। लड़की का बस इतना ही काम था, शॉट हो गया। शॉट होने के बाद प्रोड्यूसर ने उसे बुलाया, डायरेक्टर ने उसे बुलाया, इतने बड़े हीरो के सामने तुमने काम कैसे किया, डरा नहीं? नहीं साहब, मुझे तो काम चाहिए। तो ठीक है, तो ये काम करते, कल तुम वापस आ जाओ 7 बजे, और क्या काम करोगे? बोले साहब कुछ भी काम करूंगा। हाँ, हमारा एक असिस्टेंट नहीं आया, तो उसके लिए आप काम करोगे? करूंगा, पक्का करूंगा। दूसरे दिन भी सुबह सुबह वो लड़का पहुंच गया, असिस्टेंट ही कुछ मालूम नहीं, क्या लिखना, क्या करना, ऑडिशंस कैसे होता है, क्या होता है, वो सब तो देखा था, लेकिन शूट कैसे होता है, शूट कैसे, TCR रजिस्टर में कैसे लिखना, वो तो कुछ मालूम ही नहीं है। ठीक है, वो सीख गया, मेहनत करते गया, सब करते गया, और एक दिन असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया। ये एक सच्ची कहानी है, बहुत ही सच्ची कहानी है। अपना जो हीरो है, उसमें जो सच्चा हीरो था, वो तो बेचारा प्लेटफॉर्म पर सोया था। दादर में बाबू भाई भवान जी, दादर सर्कल है, वहाँ पे रात वहीं पे गुजारी थी, और उसके पीछे एक थिएटर है, उस थिएटर में पिक्चर के पोस्टर्स देखता था और कहता था एक दिन मेरे भी पोस्टर लगेंगे, लेकिन चल अभी तो सो लूं। आज वही हीरो की मैं बात करूंगा, तो अपना लड़का भी बहुत मेहनत कर रहा था। तो स्ट्रगलर की सही जिंदगी है, स्ट्रगलर को ये करना ही पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अपना मकान बनाना पड़ता है, मेहनत से पीछे मत हटना। ये अपना जो हीरो था, जो सही में, जो जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, कहानी जो कह रहा हूँ, वो हीरो कोई नहीं। आज भी दादर में रूप तारा स्टूडियो, आज तो नहीं है, वहां पे तो बिल्डिंग बन गई, रूप तारा स्टूडियो था, वहां पे वो लड़का सो जाता था रात में, शूट होने के बाद वहीं पे सो जाता, और बाजू में गुप्ता जी की एक कैंटीन थी छोटी, तो गुप्ता जी ने वहां पे लिख के रखा था उस लड़के का नाम, और 150 रुपया बकाया। क्यों? ये जब भी आए उसे 150 रुपया लेना है। नाम था धर्मेंद्र, धर्मेंद्र के 150 रुपये बाकी। तो धर्मेंद्र जी एक बार हीरो तो बन गए, बाद में गुप्ता जी के पास गए, गुप्ता जी अभी ये तो निकाल दो, ये लिखा है वो। गुप्ता जी बोले मैं नहीं निकालूंगा, मैं बताऊंगा। मेरे पास धर्मेंद्र जी रहते थे, मेरे साथ खाना खाते थे, और उनका 150 रुपया मुझ पर बकाया, ये मैंने रहने दूंगा। जब तक ये गुप्ता कैंटीन रही, तब तक वहां पे धर्मेंद्र जी का नाम रहा। धर्मेंद्र जी ने कहा कि मुझे पैसे में दे देता हूँ। बोला नहीं चलिए, मुझे खुशी है मेरे पास जिसका 150 रुपया बकाया, आज इतना बड़ा स्टार बन गया। यानी मेहनत करने से इंसान कुछ भी बन सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये बताइएगा। स्ट्रगलिंग तो करना है, स्ट्रगल तो करना है, वो छूटेगा नहीं, स्ट्रगल तो आपको करना ही। स्ट्रगल और फिल्म इंडस्ट्री,
टीवी सीरियल ये सब एक साथ में है, ये तो आपको करना ही। लेकिन जो लड़का जो मेहनत ऐसे करेगा, जो ऐसे स्ट्रगल करेगा, जरूर पास होगा। और भगवान ऊपर से देखता है, आज का दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन एक बरस मेहनत का फल जरूर है। आज वही धर्मेंद्र जी आज भी इंडस्ट्री में है क्योंकि तो उन्होंने मेहनत की है, रूट की मेहनत की। उनसे एक पहले एक बात बता दो, एक बार वो लाइन में खड़े थे सुबह, तो देवानंद साहब की नजर उन पर पड़ी। देवानंद साहब ने कहा ये हट्टा कट्टा जवान कौन है, उनको बुलाओ जरा। तो उनको लाइन में से लेके उनको वहां पे भी उन धर्मेंद्र जी को देवानंद साहब ने काम किया था। यानी मेहनत करोगे तो नजर तो पड़ेगी, हीरा कभी छुपा नहीं रहता। मेहनत कीजिए, ऑडिशंस दीजिए, रोज मेहनत कीजिए, रोज लाइन में लगी कोई बात, हम भी हीरो बनेंगे, हम भी कलाकार बनेंगे, हमारा भी नाम होगा, यही चाहत रखिए। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो हमारे स्ट्रगलर दोस्तों के लिए था, उनको अर्पित किया है मैंने, बहुत मेहनत करते हैं, उनको मैं सलाम करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, आई लव यू माई फ्रेंड्स, स्ट्रगलर फ्रेंड्स।